गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो मेरा प्रश्न है वह समझिए भारत के जितने सभी नदियां हैं उसी से संबंधित सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जितने सारे एग्जाम हैं सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि हर एग्जाम में प्रश्न यहां से आता ही है। पहला प्रश्न कहता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है पद्मा, सेकेंड है जमुना, तीसरा है मेघना और चौथा है सांगपो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो हम लोग कहते हैं वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गंगा नदी का अगर उद्गम का बात करते हैं तो यह उत्तरकाशी जिले और कहां पड़ता है, उत्तराखंड से निकलती है। जिला कौन सा, उत्तरकाशी, और इसका अगर बात करते हैं गोमुख से निकलती है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है तो 25 किलोमीटर, ये भी क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि यह गंगा नदी किन दो देश होकर के बहती है तो अगर दो देश पूछेगा तो याद रखना एक तो है भारत और दूसरा बांग्लादेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। एक बार पूछा हुआ एग्जाम में है कि गंगा नदी किन दो देशों को कनेक्ट करता है या जोड़ता है या बहता है तो भारत और बांग्लादेश, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि गंगा नदी का ये पूछता एग्जाम है कि बिहार में ही कितने किलोमीटर बहती है तो ध्यान रखना है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर जो बिहार में सिर्फ बहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी बारे समझ गए। गंगा नदी को जो राष्ट्रीय दर्जा मिला यह सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा मिला, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं जो हम लोगों का नेशनल ये है उसको कहते हैं डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है इनको नेशनल या जलीय डॉल्फिन, जलीय जीव जो माना गया है वह डॉल्फिन को माना गया है। आपका आंसर हो गया पद्मा। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग इसके बाद, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं तो वह कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं इनको, मेघना। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग तो स्पीड में निकलेंगे, प्रश्न काफिला है और सारे भारत की नदियां के बारे हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। तो सभी एक बार क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सुंदरवन को डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। अच्छा, देखिएगा, एक तो होता है डेल्टा और एक होता है एस्टुरी, ये दोनों को समझना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां बहकर आती है और जो मुहाने पर गाद जमा कर देगा उसको कहते हैं डेल्टा, और एस्टुरी क्या होता है वही गाद आगे बहाकर अगर ले जाती है अपने साथ उसको कहते हैं एस्टुरी। तो प्रश्न पूछा डेल्टा इनमें से कौन सा नदी बनाता है, सुंदरवन का डेल्टा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्या हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम पूछा गया। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां होगा तो आपको बताए गंगा का जो उद्गम होगा वह उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाएगा तिब्बत, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है। अच्छा, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन में क्या हो जाएगा तो सी। नेक्स्ट आइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और वह आपको पता होगा कौन सा है, माजुली नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी का नाम पूछा है तो वह कौन हो जाएगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्रा, आपका आंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वह कहां पे है तो याद रखना ये असम में है, ये कहां है असम में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, प्रश्न तो रिपीट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक का पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। पूछा गया आपको वही पकड़ना है कि अमरकंटक के पठार से निकलती है तो एक हो जाएगा नर्मदा और दूसरा हो जाएगा सोन,
आपका जो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर। नेक्स्ट आइए, तावा पूछा गया है कि किसकी सहायक नदी है, तावा किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तापी। तापी नदी का जो सहायक है वह हो जाएगा तावा। क्लियर हो गया। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां हो जाएगा, तो अमरकंटक से, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगले आएंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था, तो वह आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखेंगे, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह कौन है, तो यमुना। किस नदी का, तो गंगा का। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो आपको पता होगा उसको कहते हैं महानदी को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ए, ठीक है ना, महानदी उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। और ब्राह्मणी किसको कहते हैं, असम का शोक, असम का शोक कहते हैं ब्राह्मणी नदी को। दामोदर किसको कहते हैं, तो दामोदर जो नदी है इसको शोक कहते हैं दो, किसको किसको, तो एक तो आपको हो जाएगा बंगाल का शोक और दूसरा हो जाएगा झारखंड, ये दोनों का, ठीक है ना, ये दूसरा हो जाएगा झारखंड। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत का लवनी नदी, भारत का लवनी नदी के नाम से जाना जाता है, और वह कौन होता है, लूनी नदी। लूनी नदी याद रखिएगा कि कक्ष के रण में जाकर के गायब हो जाती है, कक्ष के रण में क्या होता है, तो गायब हो जाएगा। कौन सा नदी, लवनी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। माही नदी का उद्गम भी कहां है, तो माही नदी अरावली नदी से निकलती है, अरावली पहाड़ है वहीं से निकलती है, माही, बनास, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारन नदमुख निर्माण करती है, तो कौन सा हो जाएगा, राप्ती, महानदी, नर्मदा या सोनरेखा, तो ज्वारन जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी ऐश्वरी नहीं बनाती है, देखिए ऐश्वरी इनमें से कौन सा नहीं बनाता है, नर्मदा, ताप्ती बनाता ही है, मांडवी बनाता है, नर्मदा नदी ये जो है डेल्टा बनाती है, कौन क्या बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट आएंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती है, डेल्टा कौन नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये तो डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा भी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है, तो नर्मदा, ताप्ती ये सब जो बनाएगा, ये बनाएगा कौन, तो याद रखेंगे ये सब एश्चुरी बनाता है, एश्चुरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट आएंगे, छिप्रा नदी पूछा गया है कि जो छिप्रा नदी है उसको किसकी सहायक नदी, छिप्रा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा, तो छिप्रा हो जाएगा आपका किसका, तो चंबल नदी का है, किसका है, चंबल नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, देख लीजिए अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो तावा, स्तौन, नर्मदा, कौन नहीं निकलती है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी जो निकलती है या नासिक से निकलती है, ठीक है, और नासिक से कौन सा पहाड़, तो याद रखें त्र्यंबक पहाड़। त्र्यंबक पहाड़ से अगले प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में नदी युग्मों में पूछा गया है कि कौन सा ज्वारन पुक का निर्माण करती है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा कृष्णा या कृष्णा कावेरी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे और शेयर के साथ लाइक बटन जरूर प्रेस करना है और कमेंट भी करना है। निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एक सूचना क्या है कि झारखंड का जो नीति है, योजना थे, वो अभी आ चुका है और उसमें जो आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन का डेट था वो अभी फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दी गई है, तो आप लोग घबराए नहीं, एग्जाम का डेट बहुत ही सुन यानी बहुत ही जल्द हुआ क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, आप लोग बने रहेंगे, पढ़ाई को बिल्कुल कट नहीं करेंगे तो फिर बाद में समस्या होगी। भ्रंश घाटी से होकर कौन सा बहती है, तो भ्रंश घाटी पूछा गया, चंबल, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी, आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में किस नदी को
किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है, डेल्टा कौन नहीं बनाएगा, तो आपको बता दिए ताप्ती, तो नर्मदा, ताप्ती, ये सब एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है ये सब, तो एस्चुरी का निर्माण करता है। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग, अगले प्रश्न आएंगे दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी पूछा गया। दक्षिण भारत की अगर वैसे पूछेगा सबसे लंबी नदी तो गंगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी पूछ देगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की क्या हो जाएगा, तो गोदावरी नदी। अगला प्रश्न आएंगे निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि वृद्ध गंगा किस नदी का अन्य नाम है, आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए हो गया होगा, फटाफट हम लोग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि यह प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि भारत में कौन सा नदी का उद्गम है, किनका अन्य नाम है, कौन किधर दिशा में बहती है, सारे हम प्रश्न को लाए हैं। गोदावरी नदी का उद्गम पूछा है तो आपको बताए थे गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो त्र्यंबक पहाड़, क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी, त्र्यंबक पहाड़ से आपका गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है, ठीक है ना, जो पड़ता है नासिक, सही है, जो कहां पे है नासिक, और नासिक कहां पड़ता है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा नासिक, क्योंकि गोदावरी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है कौन सा है आपका, तो ध्यान देना है इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखेंगे गांव लिख दिया तो आपको प्रश्न का टेंशन लेना है वही है त्र्यंबक पहाड़ी होगा। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग कि कावेरी नदी का उद्गम पूछ दिया है, तो कावेरी नदी का उद्गम क्या होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री पर्वतीय, सह्याद्री पहाड़ी, ग्वाली या अमरकंटक, तो कावेरी नदी का जो है वह हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग, अगले प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद पूछा गया है किन दो राज्यों के बीच है, बहुत प्रश्न आसान है, ये हजारों प्रश्न आता हुआ है, तो यह हो जाएगा एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु, यही दो राज्य है जिनके बीच जो है कावेरी नदी जल विवाद का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा नदी, कौन सा राज्य किस नदी का प्रयोग करेगा या कितना परसेंट करेगा। आइए आगे, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी न कि गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा लगा देगा, आपका आंसर हो जाएगा कावेरी, इस बात पर ध्यान देना है। आगे आते हैं कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी पूछा है सहायक नदी है, पंचगंगा और दूध गंगा पूछा किसकी सहायक नदी है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का सहायक नदी, सहायक जो है वो पंचगंगा और दूध गंगा है। नेक्स्ट आइए, दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो दामोदर नदी जो निकलेगी वह छोटा नागपुर पठार से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो निकलती है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से, याद रखना है कि दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। अगले प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित मतलब निकलती है और भूमि के अंदर गायब हो जाती है, वह आंसर क्या हो जाएगा, लूनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित जो होता है, विश्व का सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा जो डेल्टा निर्माण करने वाला है वह कौन हो जाएगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगले प्रश्न आएंगे हम लोग कि पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होगा वह कौन सा नदी होगा, तो आपको पता होगा एक तो नर्मदा और एक ताप्ती, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक या दो हो जाएगा। नर्मदा ताप्ती अगर दोनों का पूछेगा उद्गम, तो वह कहां से हो जाएगा, अमरकंटक, अमरकंटक से, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हम लोग कि निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ का परिवर्तन किया गया है, अच्छा पूछा गया है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन मतलब अपने मार्ग में जो परिवर्तन करेगा वह कौन नदी हो जाएगा, कोसी, कौन हो जाएगा, कोसी नदी, याद रखेंगे। और यह इसको बिहार का क्या कहते हैं, बिहार का कहते हैं शोक नदी, बिहार का शोक, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, और झारखंड का शोक हो जाएगा दामोदर नदी। पूछा गया हिमालय काटकर और बहकर आने वाली जो नदियां हैं वह कौन हो जाएगा,
तो याद रखना है सतलज, सिंधु और गंगा, ये तीनों नदी क्या हो जाएगा कि हिमालय काटकर एवं बहकर जो निर्माण किया गया वह सिंधु, सतलज और गंगा नदी है। ठीक है ना, याद रखना है कि गंगा नदी भारत का सबसे बड़ी नदी है और यह सबसे ज्यादा जो बहती है वह किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सा नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में, किसका उद्गम भारत में ही नहीं है, तो ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, तो भारत में इसका उद्गम नहीं है सतलज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। अगले प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के स्तंभ में, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा सही है, सिवाय, सिवाय का मतलब हो गया कि इनमें से एक को छोड़कर सारे सही है। तो देख लीजिए, यह अमरकंटक के निकट निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी बनाया, बिल्कुल सही है। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, जो आपका पूछा गया था प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सा नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, अच्छा सुनेंगे, नहीं है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, कौन सा नहीं है, अमरावती, अमरावती इनका सहायक नदी नहीं है। तो सभी लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर देंगे, लाइक जरूर करना है, ताकि हम क्या होते हैं और मोटिवेट होकर आपको और भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा हम प्रोवाइड करेंगे। आते हैं प्रश्न पर, कौन सी नदी कक्ष के रण में गायब हो जाती है, आपको अभी जस्ट बताए थे लूनी, और कक्ष का रण कहां पे है, तो यह पड़ता है गुजरात में, किस स्टेट में है, तो गुजरात। आगे आते हैं, अगले प्रश्न कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, कई बार बता चुके हैं प्रश्न में, भारत में जो डेल्टा बनाती है वो कौन कौन सा है, तो ध्यान देना है, नर्मदा नहीं, ताप्ती नहीं, ठीक है ना, चलिए तो यहां भी नर्मदा है, गलत हो गया, तो ऑटोमेटिक पता चल गया ये जो नर्मदा है, ताप्ती है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब ऐश्वर्य का निर्माण करता है। एक ऑप्शन निकल गया, कावेरी, गंगा, महानदी, डेल्टा का निर्माण करता है। प्रश्न पूछा गया था डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम। नेक्स्ट आएंगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न आएंगे, सिंधु नदी का पूछा गया उद्गम स्थल, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह हो जाएगा मान सरोवर झील, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, मान सरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम है। अगले प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची ज्वार, सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ती वाली नदी कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका आंसर हो जाएगा हुगली, कौन हो जाएगा, हुगली, और हुगली नदी जो पड़ता है वह कलकत्ता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हम लोग, कि बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहां मिलती है, गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से, तो बेतवा नदी जो मिलती है वह यमुना से, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न पूछा गया है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा हो जाएगा, सिंध, क्या हो जाएगा, सिंध, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो एक, ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अगर बात करते हैं कि ब्यास का प्राचीन नाम था बिपाशा, कौन सा इसको कहा जाते थे, बिपाशा, कई बार पूछा हुआ है, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, अंततः अरब सागर में कौन सा गिरती है, कावेरी, नर्मदा, गंगा या यमुना, तो अरब सागर में जो गिरेगी वह कौन सा नदी, कावेरी, कौन सा नदी, कावेरी। नेक्स्ट आइए, अच्छा नर्मदा भी है, नर्मदा भी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगले आते हैं, निम्नलिखित में किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, चलिए ठीक है, जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो भी सही है, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। सर कौन कौन सा नदी, तो एक आपको हो गया नर्मदा और एक होता है ताप्ती,
नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूछा गया सत्य नहीं है। देखिए जब भी पूछेगा सत्य नहीं है तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कौन सा गलत छांटना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। त्र्यंबक पहाड़ हम बता दिए। कावेरी नदी का उद्गम पूछा गया आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है। और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आपका प्रश्न का आंसर सी नंबर, पूछा गया था सत्य नहीं है, आपको बता दिए। अगले प्रश्न, कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और वह आपका आंसर क्या हो जाएगा तो गोदावरी। दक्षिण भारत की क्या हो जाएगा आंसर, गोदावरी। तो सारे प्रश्न को हम लोग जितने नदियों से संबंधित था हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस किए, सारे चीज बता दिए कहां से निकलती है उनका अन्य नाम, ठीक है ना, और उनका सहायक नदी कौन सा था। सारे हम लोग प्रश्नों को बड़ा अच्छा से डिस्कस किए। अब हम लोगों का अगला जो हो रहा वीडियो वह किस टॉपिक पर होना चाहिए ये आप कमेंट करके बताएंगे, उसी पे हम आपको बनाएंगे। ओके।